गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने पीरियडिक टेबल की बात की थी। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें दिया गया है, तब हम कैसे पता करेंगे कि वो एलिमेंट टेबल में किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है, और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि वो एलिमेंट किस प्रकार बिहेव करता है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम जान सकते हैं केवल एटॉमिक नंबर के पता होने से या उसका प्लेस पता होने से, हम वो आज जानकारी आपस में करना चाहेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ नंबर या नेम मैंने लिखे हैं। फर्स्ट नेम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सेकंड हमारे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, थर्ड नेम सरदार भगत सिंह जी, और फोर्थ नेम डमित्री इवानोविच मेंडलीफ। आप शायद सभी नाम से बहुत अच्छे से परिचित हैं। इन नामों से देखकर क्या आप इनके आप बिल्कुल अननोन हैं, इन्हें जानते नहीं हैं, क्या फिर भी एक या दो प्रॉपर्टी कोई भी इन लोगों के बारे में आप बता सकते हैं जो आपको क्लियर हो रही हो इनके नामों से? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शायद जो ये नाम है ये हमारे कास्ट को, जो हमारे सोशल जो सोसाइटी में जो हमारे धर्म को रिलीजन को डिफाइन करते हैं, वो हमारा प्रचलन है अपने नामों में, उसे हम शामिल करते हैं, क्योंकि नाम हम अपने आप तो रखते नहीं हैं। हमारा समाज, हमारा उस समय जब हमने बर्थ लिया उस समय जो परिवेश होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे नाम रखे जाते हैं। कुछ प्रभावित होकर भी लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, निश्चित रूप से इनके नाम में शुरू में पंडित बाद में उपाध्याय, आप समझ गए होंगे कि ये किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। अबुल पाकिर जनूर अब्दीन अब्दुल कलाम साहब, इनके नाम में इनके फादर का नाम है जैनुल अब्दीन, जो है वो इनके फादर का नाम है, और बहुत साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, शायद नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि मुस्लिम धर्म को ही बिलोंग करते हैं। सरदार भगत सिंह जी, हमारे महान शहीद क्रांतिकारी सरदार, नाम में ही आ रहा है सिख धर्म को ही बिलोंग करते हैं। और फोर्थ नेम ये क्रिश्चियन हैं, अंग्रेज हैं, बिलोंग करते हैं। क्या इनके बारे में जो सूचना हमें मिली, क्या आप, अगर मैं कुछ नाम आपको और दिखाता हूँ, लिथियम, गोल्ड, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, रूबिडियम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्या इनके नाम से भी आप बता सकते हैं कि ये किस धर्म को, किस रिलीजन को व्यक्त करते हैं? केमिस्ट्री में भी कुछ बहुत से धर्म हैं, कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटालॉइड्स हैं, क्या ये बता सकते हैं आप? शायद नहीं। परंतु यदि हम पीरियडिक टेबल का ठीक से स्टडी उसकी हम कर लें और इनके एटॉमिक नंबर हमें याद हैं, तब हम ज़रूर बता सकेंगे कि इनका धर्म क्या है, ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। और जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का पता लगा लेंगे, इनके साइज का पता लगा लेंगे, इनके पीरियडिक नंबर का, ग्रुप नंबर का, इनकी वैलेंसी का, तब इनके करेक्टर और जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे मेंडलीफ ने कर दिया था। मेंडलीफ ने तो 1869 इतने साल पहले प्रिडिक्शन कर दिए थे उन अननोन करेक्टर के भी प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी कर दी थी। आज तो बहुत हम टेक्निकली आगे हैं। मैं आपको इनका प्लेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने अपने आज के लेक्चर को चार भागों में डिवाइड किया है। जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जिनका आप अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट मींस उनके लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, और नहीं तो सभी में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि टेबल में दिख रहा है, दोज एलिमेंट्स वोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर कंप्लीट और प्लेस्ड इन 18 ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फिगरेशन 2, नियॉन 28, ऑर्गन 288, क्रिप्टन 28188, जिनॉन 28188, रेडॉन
2, 8, 18, 32, 18, 8। आपने देखा हीलियम में केवल हीलियम हैव ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन इज स्टेबल। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन स्टेबल है। मीन्स ना इन्हें इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, इनकी वैलेंसी भी ज़ीरो है और इन्हें सभी को पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में रखा गया है। जिसे पहले मेंडेलीफ ने जीरो ग्रुप कहा था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है और इन सभी को 18 ग्रुप में रखा गया है। सेकंड, दोज एलिमेंट्स विच हैव वन और टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल एंड ऑल दियर प्रीवियस ऑक्टेट्स आर कंप्लीट, देन ग्रुप नंबर्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विल बी वन और टू रेस्पेक्टिवली। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके लास्ट ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होगा अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब। लास्ट ऑर्बिटल में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी ऑर्बिटल्स उनके कंप्लीट होंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है 2, 1, पोटेशियम का 19, 2, 8, 8, 1, सोडियम Na 11, 2, 8, 1, मैग्नीशियम 2, 8, 2, बेरियम 2, 8, 18, 18, 8, 2। फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, ये आपको जानकारी पहले से शायद होगी। आप इन सभी एलिमेंट्स का देख लीजिए, ऐसे और भी एलिमेंट्स होंगे और इन सभी एलिमेंट्स के सभी ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं केवल लास्ट को छोड़कर, और लास्ट में किसी में एक इलेक्ट्रॉन है या किसी में दो इलेक्ट्रॉन है। जिस एलिमेंट्स के कॉन्फिगरेशन में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसकी बाकी ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं तब वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा, और अगर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी सब ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं, सभी में 8, 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं दोबारा कहता हूँ, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सभी ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 18, 32 स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स इन्हें बोला जाता है, वो सेल्स स्टेबल्स हैं, तब अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तब वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकंड ग्रुप का मेंबर होगा। लिथियम के लास्ट में, Li के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, पोटेशियम में 1 है तो ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, बेरियम Ba में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है, सोडियम में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, मैग्नीशियम सेकंड का है और स्ट्रॉन्शियम भी सेकंड ग्रुप का मेंबर है। थर्ड, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव 3 और मोर देन 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल एंड ऑल दियर प्रीवियस ऑक्टेट्स आर कंप्लीट। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर लास्ट में एक या दो इलेक्ट्रॉन हैं बाकी सब सेल्स कंप्लीट हैं तब वो ही ग्रुप नंबर होगा, परंतु अगर लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ द एलिमेंट्स हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल और एलिमेंट्स हैव मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल, देन तब क्या करेंगे हम। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, एल्यूमिनियम का कॉन्फिगरेशन 2, 8, 3 हुआ, लास्ट जो सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब हम ये थर्ड पीरियड में थर्ड ग्रुप में नहीं होगा, इसके लिए इसका ग्रुप नंबर जानने के लिए हमें इस 3 में 10 को ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा Al13, 2, 8, 3, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस 3, और अगर मुझे इसका ग्रुप कैलकुलेट करना है, ग्रुप को पता करना है कि ये किस ग्रुप में है, तो मैंने 3 में 10 ऐड किया और 13, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में है। और एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, द एटोमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 2, 8, 7, क्लोरीन हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन इज 7, देन 7 इज ग्रेटर देन 3, अगर लास्ट ऑर्बिटल में 3 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तब हम क्या करते हैं, उसमें 10 को ऐड करते हैं, ग्रुप नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 7 + 10 इज इक्वल टू 17, क्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है। आयोडीन, द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज 53,
द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयोडीन इज 2, 8, 18, 18, 7. देन वी सी डैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन इज 7. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आयोडीन इज इक्वल टू 7. वी गेट ग्रुप नंबर ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू 7 + 10 इज इक्वल टू 17. आयोडीन इज द मेंबर ऑफ 17 ग्रुप इन पीरियडिक टेबल. इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इफ लास्ट टू ऑर्बिटल्स आर इनकम्प्लीट. अब तक जो मैंने बात की, मैं थोड़ा रिपीट आपको कर देता हूँ. मैंने बात की सबसे नंबर वन उन एलिमेंट्स की जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कम्प्लीट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, और इन सभी एलिमेंट्स को 18 ग्रुप में रखा गया. फिर मैंने बात की उन एलिमेंट्स की जिनके आउटर मोस्ट सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन है और बाकी सभी सभी ऑर्बिटल्स कंप्लीट हैं, तब उन्हें रखा गया. अगर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन है तो उसे फर्स्ट ही ग्रुप में रखा गया, और लास्ट में टू इलेक्ट्रॉन है तो उन्हें सेकेंड ग्रुप में रखा गया. थर्ड, मैंने बात की उन एलिमेंट्स की जिनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोर देन 3, 4, 5, 6, 7 इतने इलेक्ट्रॉन्स में हैं, तब उनमें हमने 10 को ऐड किया, तब हमें ग्रुप नंबर मिला. अब मैं बात करता हूँ उन एलिमेंट्स की जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो पीरियडिक टेबल में बीच में रखे गए हैं, और उन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखते हैं तब उनकी लास्ट टू ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट होती है. ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऐड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द लास्ट टू इनकम्प्लीट सेल्स. जो लास्ट के जो दो इनकम्प्लीट सेल्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं. देन वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम डैट सम. फिर उस जो संख्या आती है उसमें से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 8 को घटा लेते हैं. जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है, द ऑब्टेंड वैल्यू इज द ग्रुप नंबर ऑफ डैट एलिमेंट. आप एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे. स्कैंडियम 21, द एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम इज 21. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम इज 2, 8, 9, 2. दोबारा बताता हूँ, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8, 9, 2 है. कुछ बच्चे या कुछ जो भी आप से देखेंगे तो कुछ लोग 2, 8, 8, 3 इसका लिखते हैं, जबकि लास्ट ऑर्बिटल में कभी भी 2 से 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं हो सकते. अगर लास्ट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है वो केवल तभी पॉसिबल है जब उससे पहली ऑर्बिटल पूरी भर गई हो. 2, 8, 9, 2, थर्ड ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन है. जब तक यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे तब तक लास्ट ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 9, 2. 22 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 10, 2. नेक्स्ट 2, 8, 11, 2. नेक्स्ट 2, 8, 12, 2. और ये जब तक चलता रहेगा जब तक 2, 8, 18, 2 नहीं आ जाता, तब जाकर 2 का 3 होगा. स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 9, 2. इसमें 4 डिजिट आई हैं, 2, 8, 9 और 2. जितनी डिजिट होती है, अब मैं एक यहाँ नया पॉइंट बढ़ा देता हूँ, जितनी डिजिट होती हैं वो हमारे पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करती है. यानी स्कैंडियम का पीरियड नंबर 4 है, यानी स्कैंडियम पीरियडिक टेबल में 4 नंबर का जो पीरियड है उसमें उसका प्लेस है. और लास्ट 2 सेल्स आर इनकम्प्लीट. मैंने ब्लैक से इसे शो किया है. लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 9 और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनकम्प्लीट है. इन्हें हम दोनों को ऐड कर लेते हैं. सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 9 + 2 = 11. ग्रुप नंबर ऑफ स्कैंडियम मैंने बताया था, जो इनकम्प्लीट सेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम सम कर लेते हैं उनका, और फिर उसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. 11 - 8 = 3. देन वी कैन से डैट स्कैंडियम इज द मेंबर ऑफ थर्ड ग्रुप. मैग्नीज 25 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 25 इज 2, 8, 13, 2. सबसे अच्छा लिखने का तरीका होता है कि 2, 8 लास्ट ऑर्बिटल 2 रख दीजिए, जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 13 बीच में आ जाएंगे. 2, 8, 13, 2. लास्ट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन केवल तभी हो सकते हैं जब उससे पहले वाले थर्ड ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं हो जाते, ये इसमें लास्ट में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने हैं. लास्ट 2 सेल्स आर इनकम्प्लीट. 4 डिजिट हैं, 2, 8, 13, 2. पीरियड नंबर 4 हुआ. सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 + 2 = 15. ग्रुप नंबर ऑफ मैग्नीज 15 - 8 = 7. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मैग्नीज 4th पीरियड में है और उसका जो ग्रुप नंबर है वो 7 है.
सेम वे थोड़ा सा एक आपको होमवर्क है कि मैंने एक तरफ एलिमेंट्स लिखे हैं, फिर एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर। हाइड्रोजन का वन है, कॉन्फ़िगरेशन भी वन ही होगा, एक ही डिजिट है तो पीरियड भी वन ही होगा और ग्रुप नंबर भी वन ही होगा। हीलियम स्टार इस पर लगाया है क्योंकि इनर्ट गैस है, 18 मार्क्स में होगा, 2, 2, 1, 18। बेरिलियम देखिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बी का 4, कॉन्फ़िगरेशन 2.2, पीरियड नंबर 2, क्योंकि दो डिजिट इसमें आई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितनी डिजिट आएंगी वो उसका पीरियड नंबर को शो करेगा, और ग्रुप नंबर भी 2, क्योंकि लास्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वही ग्रुप नंबर होता है, पर शर्त यह है कि उससे पहले वाले सेल्स पूरे हो गए हों। आगे चलें, आप देखते चले जाएंगे बोरान 5, 2.3, चूँकि लास्ट वाली ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो लास्ट के ऑर्बिटल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 से ज़्यादा हो तो उसमें 10 ऐड करते हैं। आप देखिए पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 + 10 = 3। इस पूरी सीरीज में टेबल में जितनी भी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी में लास्ट के डिजिट में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो हमने सब में 10 को ऐड करा और इनके सबके ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16। अगर मैं नेक्स्ट टेबल की बात करूं, फ्लोरीन 2, 7, 7 + 10 करना पड़ा क्योंकि लास्ट डिजिट में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। सोडियम 2, 8, 1, केवल 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट के डिजिट में है और उससे पहले सेल्स कंप्लीट है तो फर्स्ट ग्रुप ही होगा। इसी प्रकार आप ये सब टेबल्स आप देख सकते हैं इजीली, इनमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है सॉरी, तो हमने 10 को ऐड किया है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपको ज़्यादा यूज में आने वाले एलिमेंट्स हैं उन सब का कॉन्फ़िगरेशन, उन सब का ग्रुप नंबर, उन सब का पीरियड नंबर की मैंने आपको टेबल देने की कोशिश की है। आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप इन्हें कर लेंगे। जैसे स्कैंडियम आया, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, निकिल देखी लास्ट में, कितना प्यारा एग्जाम्पल है निकिल, Ni, एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 16, 2, लास्ट के 2 डिजिट इनकम्प्लीट हैं, 16 और 2, पीरियड नंबर 4 है क्योंकि ये केवल 4 ही डिजिट लिखी हैं, और ग्रुप नंबर के लिए लास्ट के 2 डिजिट को हमने ऐड किया, उसमें से 8 हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ग्रुप नंबर के कॉलम में देखिए निकल के आगे, 16 + 2 - 8 = 10। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इन सब एग्जांपल्स का आप बार बार रिवीजन कीजिए तो आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कैलकुलेट करना बहुत आसानी से आ जाएगा। एट रैंडम में लास्ट में एक बार बात करता हूँ, वी टॉक अबाउट स्टेनस टिन SN50, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ SN इज 2, 8, 18, 18, 4। ध्यान से देखिएगा 2, 8, 18, 18, 4, यहाँ पीरियड नंबर ऑफ SN इज 4, ये गलत है, जानबूझकर मैंने गलत लिखाया जिससे आपको करेक्शन करने का मौका मिले और आप इसे यही ना समझ लें कि कुछ भी लिख दें। इसमें 5 डिजिट हैं SN में, 2, 8, 18, 18, 4, पीरियड नंबर ऑफ SN इज 5, not 4। ग्रुप नंबर ऑफ SN, चूँकि केवल लास्ट का डिजिट ही इनकम्प्लीट है और वो 4 इज मोर देन 3, देन वी हैव टू ऐड 10 to 4। ग्रुप नंबर ऑफ SN 4 + 10 = 14। SN विल बी इन 14 ग्रुप एंड 5th पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PT, प्लेटिनम 80, आप इसमें भी ध्यान दीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट इनकम्प्लीट सेल्स हैं, 16 और 2। पीरियड नंबर ऑफ PT इज 6, क्योंकि इसमें 6 ही डिजिट हैं, ये गलत नहीं लिखा है। ग्रुप नंबर ऑफ PT, लास्ट के 2 डिजिट को हमें ऐड करना होगा और उसमें से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों एग्जाम्पल मैंने एक बार आपको और समझाने की कोशिश की है। हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम, द प्रिडिक्ट टेबल हेल्प्स अस प्रिडिक्ट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द प्रिडिक्ट टेबल गिव्स अस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर हम पीरियडिक टेबल का स्टडी करेंगे तो पीरियडिक टेबल हमें बताती है एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर क्या है, एलिमेंट्स का पीरियड नंबर क्या है, व्हाट इज़ द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द एटम, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। इन सब का हम अध्ययन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं एक टेबल द्वारा आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने अभी कैलकुलेट किया, आपको करना आया कि दिया कोई एलिमेंट आपको दिया गया, एटॉमिक नंबर दिया गया और ये बताया गया कि एटॉमिक नंबर किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है। आपने कैलकुलेशन की, आपको पता चलता है कि वो जो एलिमेंट है वो 5th ग्रुप में है, तो आप देखिए 1st और 2nd ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं
जब मैंने पीरियड टेबल लिया था उसमें काफ़ी डिटेल में बताया था उन टेबल्स के ग्रुप्स के बारे में। ग्रुप नंबर 1 और 2 के सभी एलिमेंट्स मेटल्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और 3rd से 12th के बीच में जो ग्रुप हैं अगर उनमें कोई एलिमेंट्स हैं वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं। और उन्हीं सबके जो करैक्टर या उनका जो प्रॉपर्टीज होंगी वो वही होंगी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हैं, जो डी ब्लॉक्स की हैं, जो मेटल्स की हैं। 13 to 17 ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, मोस्टली नॉन मेटल्स हैं और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं। 18 ग्रुप में जैसा कि अभी भी आपको बताया था इनर्ट और नोबल गैसेज हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, वो रिएक्शन में सहभागिता नहीं करते हैं, ये डू नॉट कोऑपरेट। अब आपने कोई हमने कोई एग्जांपल लिया, जैसे अभी लास्ट एग्जांपल हमने लिया एक ये पीटी, ये 10th पीटी का जो ग्रुप आया था वो 10 नंबर का ग्रुप था। अब आप देखते हैं कि पीटी की अगर मैं बात करूँ तो 10 नंबर कहाँ आ रहा है, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड रो में आ रहा है, 3rd रो में, 3 to 12। तो जो प्लेटिनम है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक है, मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। तो मेटल्स की जो जो करैक्टर हमने आपको बताया था पहले पीरियड में वो आप देख लीजिए, मेटल्स के मैक्सिमम करैक्टर वही होंगे जो प्लेटिनम के वही होंगे जो मेटल्स के हैं, वही हार्डनेस वाली प्रॉब्लम आएगी, हार्डनेस है, मेटेलेबल है, लस्टर है, तो वो सेम प्रॉब्लम, सेम रिजल्ट्स। तो आप एक मोटा मोटा एक ग्रुप का नंबर जानकर उस एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर आप जा सकते हैं, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ग्रुप नंबर कैलकुलेट करना आ गया होगा या पीरियड नंबर कैलकुलेट करना आया होगा। आगे एक विनम्र अपील है कि लॉकडाउन की पोजीशन गवर्नमेंट के आदेशानुसार बढ़ा दी गई है, जो कि सही भी है, और हमारी भारत सरकार इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, बहुत ज़्यादा सराहनीय प्रयास हैं कि उन्हीं के वजह से आज हम सुरक्षित हैं। अन्य जो देश टेक्निकली हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं पर आज वो हमसे पिछड़ गए। बचपन से सुनते आए हैं कि अमेरिका में कोई बीमार ज़्यादा होता है, क्रिटिकल इलनेस कोई हो जाती है तो हमें अमेरिका जाते हैं, इटली जाते हैं, या बाहर लोग जाते हैं बड़े बड़े जिन पर ज़्यादा पैसा है, और पर आज हमें पता चला कि उनके पास तो हमसे भी कम हॉस्पिटल ज़्यादा भले से हैं पर हाथ हमसे कम है। जो आपस का प्रेम हिंदुस्तान में है वो वहाँ इतना नहीं है, उनके राजनेता अपनी जनता के बारे में इतना नहीं सोचते जितना हमारी मोदी सरकार हमारे बारे में सोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद, घर में रहें, सुरक्षित रहें।